तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए रोस्ट वीडियो के साथ। आप लोगों ने मेरा पहले वाला रोस्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और ये चैनल पे मैं रोस्ट वीडियोस ही करने वाला हूँ, तो आप लोग सोच सकते हो क्या क्या रोस्ट आएगा। और अगर कोई भी सजेशन होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट के थ्रू जरूर बता देना। लेकिन आज हम लोग क्या रोस्ट करने वाले हैं, आज हम लोग रोस्ट करने वाले MBA चाय वाला को। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि MBA चाय वाला कौन है। वैसे बहुत सारे लोग ने उनका मोटिवेशन स्पीक सुना होगा और बहुत सारे आज के यूथ को वो बोलते ना मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम लोग को तो काफी मजा आ रहा है उनका देखने के लिए। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़े उनके रील्स उठाएंगे इंस्टाग्राम के, थोड़े उनके इंटरव्यू उठाएंगे और थोड़े कमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि लोगों का क्या राय है उनको लेके। वैसे तो पर्सनली अगर मैं बोलूंगा तो मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं, चल झूठा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि वो सब लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो उनसे ही बहुत सारे लोग मोटिवेट हो चुके हैं। उनमें से एक है MBA संडास वाला। अगर आप उनकी कहानी सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आने वाले 10 साल के अंदर ये जो MBA संडास वाला है ये करोड़ों के मालिक होंगे। तो सबसे पहले उनका इंटरव्यू हम लोगों ने लिया, जाके आप लोग वो देख लो। तो ये हमारे MBA संडास वाला। अरे यहाँ तक क्यों आ गए आप लोग, क्या क्या पूछना है मुझसे? आपके आप इसमें घुसे कैसे आप? पहले मैंने सोचा था कि मैं MBA करूंगा, फिर मेरी पढ़ाई हुई नहीं, तो फिर मैं MBA चाय वाले का मोटिवेशन देखने लगा तो मैं बहुत मोटिवेट हो गया, तो मैंने फिर मेरे बिजनेस का नाम रख दिया MBA संडास वाला। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि मैं एक घर में आधा घंटा संडास साफ करने का काम करता हूँ और एक घर से 2,000 रुपए लेता हूँ। ऐसे में पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 48 जगह में काम करता हूँ। उस हिसाब से मेरा एक महीने की पगार हो जाती है 96,000 और एक साल का हो जाता है 11,52,000 रुपया मेरे को एक साल में मिलते हैं। तो इसी तरह अगर मैं 10 साल मेहनत करूंगा तो 1,15,00,000 रुपया मैं जमा कर पाऊंगा। तो इससे मैं क्या हो गया, संडास साफ करते करते मैं करोड़पति हो गया। तो थैंक यू MBA चाय वाला, आपने मुझे इतना मोटिवेट किया। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, 24 घंटे मेहनत करूंगा, लेकिन मैं थकूंगा नहीं, MBA संडास वाला। तो आज हमारे MBA चाय वाले की वजह से घरों घरों में लोग अमीर हो रहे हैं। आप लोग देखोगे रोड पे जो फल बेच रहे हैं, जो फ्रूट बेच रहे हैं, सब लोग अपने नाम के आगे MBA लगा दिए। उनको लग रहा है अगर हम लोग ने MBA लगा दिया तो फिर बस अब तो हमारी गाड़ी निकल पड़ेगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग MBA के अंदर सिर्फ इस वजह से लोग MBA करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम MBA नहीं करेंगे तो MBA के साथ हम लोग कोई एक नया स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ज्यादा करके लोग MBA में जा रहे हैं। कितने सारे लोग MBA करना छोड़ चुके हैं कि भाई पता चला हम लोग यहाँ सक्सेस नहीं हुए तो हमको फिर से स्टार्टअप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीजें छोड़ दी है। हाँ तो मादरचोद, उसको जाके बोलना मुझे क्या बोल रहा है। तो अब हम लोग बात करने वाले उनके रील्स सेक्शन से, क्योंकि भाई इतना मोटिवेट करते तो रील्स और उनके इंटरव्यूज तो चेक करने होंगे। सबसे पहला इंटरव्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग पहले वो इंटरव्यू देख लो। संदीप सर, पहली बार जब चाय का ठेला चालू किया था 10,000 विजिटिंग कार्ड इंडिविजुअली लोगों को बांटे। हाय, माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लोरे, मैं चाय का दुकान है यहाँ। भैया 50,000 विजिटिंग कार्ड व्यक्तिगत रूप से शुरू के 2.5 साल में MBA चावला और प्रफुल्ल बिल्लोरे लोगों को बांट चुके। एडिटर, ये कौन सा क्लिप डाल दिया? अरे भाई सॉरी, गलती से लग गया। ये क्लिप क्यों, इतना सच्चाई क्यों दिखाया तूने? सॉरी भाई सॉरी। अरे मत कर यार, इतना सच्चाई मत दिखाया कर। क्या हो गया अगर उसने पहले 10,000 बोला, उसके बाद 50,000 बोला, तो आगे चल के 70,000-80,000 भी बोल सकता है, उसकी मर्जी। भूल जाता होगा बेचारा, कभी दिमाग में नहीं आता होगा कितना विजिटिंग, बहुत टाइम हो गया ना अभी 0 से 100 तक पहुंचने में, भाई ज्यादा सफलता ली है तो भूल सकता है आदमी। क्या हुआ उसमें, कुछ भी मत डाला कर। नहीं तो ये एडिटर को भी समझाना पड़ेगा, सारी सच्चाई दिखा रहा है, कुछ नहीं होता भाई। उनका मोटिवेशन स्पीक सुनो आप लोग, इतना मजा आ जाएगा आपको सुन के कि आपको ऐसा लगेगा कि बस भाई मैं अब मोटिवेट हो चुका हूँ। तुम लोग अपना गोल छोड़ दोगे, तुम लोग अगर स्टडी कर रहे हो स्टडी छोड़ दोगे, तुम लोग अगर क्रिकेट कर रहे हो क्रिकेट खेलना छोड़ दोगे, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो वो छोड़ दोगे, सिर्फ ये सोचोगे कि हमको बिजनेसमैन ही बनना है, हमको और कुछ नहीं करना है,
हमको बिजनेसमैन करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके पहले एमबीए लगाना है। अगर एमबीए लगाया तो आपका सारा धंधा चौपट नहीं चल पड़ा, समझ रहे हो ना, चल पड़ेगा आपका सारा धंधा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जाते हैं उनके रील सेक्शन में, बहुत बहुत अच्छे अच्छे रील बनाए, बहुत अच्छे अच्छे, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अभी रिसेंटली एक रील बनाया है, अच्छा अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिलता है तो तुम्हारी जो नेटवर्थ है 250 करोड़ रुपए की हो जाएगी। अरे सर बहुत धन्यवाद, गुड बाय। वो रील में आप देखोगे कि जूते पे उनके पानी गिर जाता है, फिर पानी गिरने के बाद बोलते हैं कि ये जितनी तेरी सैलरी उतने का जूता होगा, और फिर जब वो जाता है अंदर तो फिर वही, मतलब वही रील जो आप लोग देखते होंगे घिसा पीटा। लेकिन इसमें अगर आप लोग देखोगे तो वो बार बार ऐसा देख रहा है कि भाई मतलब कैमरामैन ने शूट लिया कि नहीं प्रॉपर, मतलब शूटिंग वीटिंग सब चालू रहना मांगता है। तो इसी तरीके का कुछ रील वील आप लोगों ने देखा होगा। और रील की अगर मैं बात करूं तो एक रील मैंने ऐसा देखा था जिसमें बहुत ही मोटिवेशन तरीके से बताया गया, जिसमें हमारे भाई बोल रहे हैं कि अगर आपकी नाव डूब रही है तो आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आप नाव को खड़ी भी कर सकते हो। चल झूठा, मतलब कैसे भाई, चलो बहुत कॉन्फिडेंस है, अगर आदमी को तैरना नहीं आता वो खुद डूब रहा है कि पहले नाव खड़ी करेगा, मतलब अगर बोला जा रहा है तो बोलते चले जाओ, फिर तो आदमी ऐसा ही बोल सकता है। अगर कोई पेड़ गिर रहा है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप पेड़ को उठा सकते हो। अगर कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप वो क्रैश प्लेन को रोक सकते हो। मतलब हर चीज कॉन्फिडेंस से हर चीज हो जाती है। तो अब हम लोग जाते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ। अगर आप लोग एमबीए चाय वाले के कमेंट सेक्शन में देखोगे तो बहुत सारे लोग उनसे मोटिवेट होके, एक कमेंट तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि भाई जब से मैं आपको फॉलो, पहले मेरा घर पूरा उजड़ गया था, मेरे पास कुछ नहीं था, जब से मैं आपको फॉलो करने लगा मेरे पास घर आ गए। कहां से भाई, आप कहां थे ज्ञानी बाबा, कहां से घर आया तुम्हारे पास, कुछ तो मेहनत की होगी, कुछ तो तूने किया होगा, डायरेक्ट घर आ गया, मतलब तूने सुना उसके बाद तेरे पास घर आ गया। तेरी माँ की माँ का चुदिए क्या हो गया भाई, हम अगर तुमको नहीं मिलेंगे तो हम मर जाएंगे। मतलब जब तू पैदा हुआ था तो तुमने सोचा था कि मैं एमबीए वाले से नहीं मिलूंगा तो जी लूंगा या मर जाऊंगा, मतलब कुछ भी। चलो कोई बात नहीं यार, हम लोग तो एक तरीके से उनको लाइक ही करते हैं, पसंद करते हैं, हम लोग क्यों झूठ बोले। बाकी वो अगर चाय बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, हम लोग को देख के काफी अच्छा लग रहा है। अभी वो काफी अच्छे मुकाम पे और काफी अच्छे अच्छे जगह, इवन मेरे खुद के एक फ्रेंड ने उनका इंटरव्यू लिया था तो मुझे वो भी काफी अच्छा लगा। बाकी कोई हेट नहीं है यार, बस थोड़ी थोड़ी चीजें इनकी कभी कभी कोई सुनता होगा तो बुरी लगती है। जैसे अगर किसी इंटरव्यू में बोल दिया कि मैंने 50,000 कार्ड बेचे तो दूसरे इंटरव्यू में बोल दिया कि मैंने 10,000 कार्ड बेचे, किसी में बोल दिया कि मतलब स्टोरी लाइन अप एक है लेकिन वो चेंज होती रहती है, किसी में सटर उठाने वाले को 250 रुपये दे दिया, किसी में सटर उठाने वाले को 300 रुपये दे दिया, तो इस तरीके का वो भी मेरे को लगता है उनको भी याद नहीं रहता रहेगा कि मैं कितना पहले बोला था कितना बाद में बोला। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा सिर्फ यही मकसद था कि मैं आप लोगों को एंटरटेन करूं इस वीडियो से। बाकी अगर आप लोग को वीडियो में मजा आएगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी आप लोगों के पास सजेशन होगा जो मैं वीडियो रोस्ट कर सकता हूं या बना सकता हूं, आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। इवन आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, कुछ नहीं करना है क्योंकि पहले अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे ही देता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप लोग। बाकी जो भी है जैसा नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी हाँ, एमबीए चाय वाले को काफी प्यार देखो, अगर उनका आउटलेट या कहीं पे आपको दिख रहा है तो जाओ जरूर चाय पियो, उसके बाद रिव्यू दो। मैं पर्सनली तो नहीं मिला उनसे, लेकिन हाँ मैं भी अगर कभी जाऊंगा तो चाय पीऊंगा, रिव्यू दूंगा। हेट किसी को नहीं है, जितने लोग रोस्ट कर रहे हैं उनको भी कोई हेट नहीं है, लेकिन जब इनका इंटरव्यू सुनते हैं तो वो बहुत ही बहुत हाइपर होके बहुत अलग अलग तरीके से इंटरव्यू होता है, तो ऐसा ही कुछ है। तो भाई से मैं बहुत मोटिवेट हो चुका हूँ। भाई तुम किधर जा रहे हैं? मैं चलो बता, चलो एक्सक्यूज मी, आई लव यू। यार मेरे पास कॉन्फिडेंस था और मैं मोटिवेटेड भी था, फिर ये मेरे साथ क्या हुआ? Ha 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 ha